क्वेश्चन है, टू चार्ज्ड स्फेयर्स आइडेंटिकल आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। दो धागे लिए एल लेंथ के, नीचे क्यू एंड क्यू चार्ज रखे, तो रिपेल हो गए, ऐसे हो गए। अब कैसे रिपेल हुए, उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना था, डी। मतलब एल तो बहुत बड़ा है, धागा तो एल तो बहुत बड़ा है, पर डी बहुत बड़ा नहीं है, इतना बड़ा डी नहीं है, छोटा टी है, तो डी छोटा है, एल बड़ा है। रुक गए यहां पे, आके रुक गए डी डिस्टेंस पे दोनों चार्ज पार्टिकल। क्यों रुके, बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल रिपल्शन। अब वो कह रहे हैं द चार्ज बीइंग लीक्ड फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स। अब ये ना पूछो कैसे, वो कह रहे चार्ज लीक हो गया, वैसे चार्ज कैसे लीक हुआ पता नहीं, चार्ज गायब होना स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन कमजोर हो गई, तो ये पार्टिकल पास 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 आना स्टार्ट हो गए, डी से कम 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 कम, वेरिएबल डिस्टेंस है, जब पूरा चार्ज चला जाएगा ये वापस आ जाएंगे, ठीक। तो ये वापस जा रहे हैं और चार्ज जो लीक हो रहा है वो कॉन्स्टेंट रेट पे हो रहा है, कॉन्स्टेंट रेट का मतलब डी क्यू बाई डी टी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक। एज अ रिजल्ट स्फेयर अप्रोचेज ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, तो स्फेयर वी वेलोसिटी के साथ अप्रोच कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि वेलोसिटी और एक्स, एक्स का मतलब शुरू में इनके बीच में स्फेयर में डिस्टेंस था डी, पर ये कम होता गया तो किसी भी इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस कितना रह गया, एक्स। वी और एक्स आपस में कैसे रिलेटेड है, ऑप्शन मार्क करो, ठीक। तो रूल नंबर वन, वेलोसिटी और एक्स के बीच में रिलेशन है। रूल नंबर वन, मान लो किसी भी टाइम पे इनके बीच में कोई भी इंस्टेंट पे दूरी एक्स हो गई, तो डायग्राम बन गया, ये चार्ज इसे रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेट एम जी है, टेंशन टी है, टी कॉस टी साइन सेम रूल है। इस इंस्टेंट पर ये इक्विलिब्रियम पे है, फिर अगला इक्विलिब्रियम है क्योंकि चार्ज तो लीक होता जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पर टी कॉस थीटा एम जी है, टी साइन थीटा एफ ई है, तो टी कॉस थीटा एम जी है, टी साइन थीटा एफ ई है। एफ ई की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा, इन दोनों को डिवाइड कर लो, साइन बाय कॉस क्या जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा आ गया। टेन थीटा की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल लेना, एल पता है, एक्स बाई टू पता है, पाइथागोरस पता है, टेन थीटा इज एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस, तो टेन थीटा एक्स बाई टू बाई डिस्टेंस। क्वेश्चन में गिवन है एल बहुत बड़ा है एक्स से, एल बहुत बड़ा है डी से, तो एक्स से तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो इस टर्म को निगलेक्ट कर दो, तो क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर, यानी कि एल ई आ गया। यहां से सब कॉन्स्टेंट है, क्यू चेंज हो रहा है टाइम के साथ, एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इनटू एक्स इज एक्स का क्यूब, या क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 3/2। तो आपका जो किसी भी इंस्टेंट पर चार्ज है वो एक्स के साथ ऐसे प्रोपोर्शनल है। यहां तक स्टेप क्लियर है, तो पहले आपने इक्वेशंस बनाई, इन्हें डिवाइड किया, ट्राइंगल से टेन थीटा लिया, एल बहुत बड़ा है डी से, तो एल एक्स से तो पक्का ही बड़ा है, निगलेक्ट किया एक्स स्क्वायर बाय फोर को, ये टर्म आ गई, सब कॉन्स्टेंट है, क्यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब आ गया, या क्यू प्रोपोर्शनल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 आ गया। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से डी बाई डी टी, डी बाई डी टी लगा दो, डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के साथ, तो ये क्या बनेगा, डी क्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ एक्स की पावर 3/2 क्या बनेगा, 3/2 एक्स रेज टू पावर हाफ इंटू डी एक्स बाई डी टी, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगी, वेलोसिटी वी। डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है, जो कि कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, तो ओवरऑल सब कुछ कॉन्स्टेंट है, वी और एक्स की पावर हाफ सम कॉन्स्टेंट, तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर हाफ या एक्स की पावर माइनस हाफ। क्यों डाला नीट में मुझे नहीं पता, मेंस वाले देख लें, नीट में तो ना आता इस तरीके से, ऐसे आगे तो 600 स्कोर तो ना जाता, ठीक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका आंसर जरूर देख लें, रिपीट हो गया तो वी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस हाफ है, सेम क्वेश्चन हो गया तो, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें, बहुत लोग इसको डाउट लेके आते हैं क्योंकि कभी ना कभी मिल ही जाता है रास्ते में चार्ज लीक वाला क्वेश्चन, तो ये एक फेमस क्वेश्चन है तो मैंने आपको करवाया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।